देश में खसरा और रूबेला जैसे बीमारियों का शिकार हमारे देश के बच्चे बड़े तेजी से हो रहे हैं, जिसे रोकने के लिए मुंबई और महाराष्ट्र में 27 नवंबर से मुहिम चलाई जाएगी, जहां 9 महीने से 15 साल के बच्चों को इस बीमारी से लड़ने के लिए टीका दिया जाएगा। पर इस टीके को लेकर कई अफवाह लोगों के बीच फैलाई जा रही है, जिसे लेकर वार्ड क्रमांक 78 में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन नगर सेविका नाजिया जब्बार सूफी ने किया। इस कार्यक्रम में वार्ड क्रमांक 78 के जिम्मेदार लोग शामिल हुए और डॉक्टरों की टीम ने उन्हें बताया कि ये टीका बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है। बहुत अच्छा स्टेप ये गवर्नमेंट की तरफ से जो भी है, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो लगभग 15 दिन से हम लोग का इनसे इसके बारे में बातचीत चल रही थी, तो आज हमारे बस्ती के सब डॉक्टर्स और कुछ जमात के जिम्मेदार लोग यहाँ पर आए थे और उनको यहाँ पे ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा और ये इससे बच्चों को फ़ायदा पहुँचने का ही काम हो रहा है, तो इसके लिए इसका सबजन मिलकर समर्थन कर रहे हैं और इंशाल्लाह 27 तारीख को हम लोग पूरे जोरों शोर से कोलीवाड़ा स्कूल BMC स्कूल जो है वहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे और जगह जगह कैंप लगाएंगे ताकि प्रोग्राम और सक्सेस हो और ज़्यादा करके बच्चे इसका फ़ायदा उठा सके और हमारे जो मोहल्ले को और हमारी बस्ती को और हमारे पूरे जोगेश्वरी में इसका फ़ायदा होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है जो बच्चों को जो इंजेक्शन लगाया जाएगा और ये स्कूल में नहीं बल्कि जमातों में और मोहल्ले में सब जगह हम लोग इसके लिए इंशाल्लाह इंतज़ाम करेंगे और पब्लिक का हमको इसी तरीके से साथ मिलना चाहिए। जब तक लोगों के बीच में ये चीज़ इसका पॉजिटिव लेके अपन लोग जाएंगे नहीं, तो लोगों को ये दिमाग में डर रहता ही है क्योंकि लोग बहुत सी चीज़ों को अफवाहों को लेके लोग परेशान रहते हैं, तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे अगर हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट के जो हमारे चेतना मैडम जो आज जो प्रोग्राम को इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस करने के लिए यहाँ पर पूरी टीम लेकर आए थे, हम लोग कोशिश करेंगे हर मोहल्ले में और हर एरिया में डोर टू डोर जाके हम लोग इसको कन्विंस करेंगे ताकि लोगों का डर निकल। मैं तो चाहूँगी कि हमारे वार्ड में, हमारे जितने बस्ती में या हमारे बाहर भी जितने भी है सबको इसका फ़ायदा हो, क्योंकि उबैला MR उबैला जो है हमारे जो खसरा एक बीमारी है उसको दूर करने के लिए एक इंजेक्शन है MR गवर्नमेंट की तरफ से है, तो मैं चाहती हूँ कि सब जितने भी है हमारे बच्चे और हमारे पेरेंट्स ये समझने की कोशिश करें कि हमारे बच्चों को यानी आगे यानी जो आगे बच्चे जो बड़े होंगे तो उनको कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसकी वजह से हम ये इंजेक्शन लगवाएं और बच्चों को अपने स्वस्थ और अच्छा रखें। जैसे कि अभी कुछ जैसा कि हमारे समझो कि इस वार्ड में क्या हर जगह एक वीडियो वायरल हुआ था कि ये इंजेक्शन ना लगाए हमारी नस्लें ख़राब हो सकती हैं, इसके लिए तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस जितना भी हो सके आप अपने बच्चों को इंजेक्शन लगाए और उनको स्वस्थ और अच्छा बनाए, बस मैं इतना चाहती हूँ बस, क्योंकि मैं भी एक मुस्लिम हूँ, मैं भी अपने बच्चों को ये इंजेक्शन लगाना चाहती हूँ। बस मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसी अफवाहें ना उड़ाएं, हम हिंदू और मुस्लिम इसका कोई भेदभाव नहीं है, जो भी है सिर्फ इंसानियत के नाते से हम वो रखें, इंसानियत के नाते ही एक खून से एक रिश्ता होता है, बाकी एक हिंदू और मुस्लिम का कोई भेदभाव नहीं होता। 27 नवंबर से मुंबई और महाराष्ट्र में खसरा और रूबेला की एक टीकाकरण मुहिम चालू होगी, जिसमें 9 महीने से 15 साल तक के सभी बच्चों को हम MR का टीका, मीजल्स और रूबेले का वैक्सीनेशन टीका देंगे। ये जो मुहिम है ये कम से कम 1.5 महीने की रहेगी, उसमें से पहले 2 से 3 हफ्ते स्कूलों में हम ये टीकाकरण करेंगे, उसके बाद में एरिया में टीकाकरण करेंगे और लास्ट वीक में हम स्वीपिंग एक्टिविटी करेंगे। इसका जो खसरा जो है ना एक जानलेवा बीमारी है और उसकी वजह से ये वैक्सीनेशन देने की वजह से वो प्रिवेंशन होगा और बच्चों को एक कुव्वत मुदाफित मिलेगी, बच्चा तंदुरुस्त रहेगा और रूबेला के लिए भी ये कुव्वत मुदाफित देगी। और ये जो वैक्सीनेशन है 9 महीने से 15 साल तक के सभी बच्चों को लेना ज़रूरी है और भारत देश को पूरी तरह से मीजल्स का इलिमिनेशन और रूबेला कंट्रोल करने के लिए आपका सहयोग हमको ज़रूरत है। ये जो लोगों के अंदर जो गलत फहमियाँ है, ये वैक्सीन है ना सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से बनाई गई है और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से, मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इसका जांच भी किया है, तो ये बहुत ही महफूज वैक्सीन है और हर बच्चे को हम दे सकते हैं। और मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि हर वालदेन को, आवाम को बढ़ चढ़ कर इस मुहिम के अंदर हिस्सा लेना चाहिए और अपने एरिया के सभी 9 महीने से 15 साल तक के बच्चों को ये टीका लेना चाहिए। 9 महीने से 15 साल तक के बच्चों को जो एज डिस्ट्रीब्यूशन है खसरे बीमारी का, 9 महीने से 15 साल तक की उम्र में
95% केसेस हमको मिली है, और जो रूबेला है उसमें भी 9 महीने से 15 साल तक के इसमें 88% 90% केसेस मिल रहे हैं। तो अगर हम इस एज ग्रुप को वैक्सीनेट करेंगे तो जो ये जो वायरस है सिर्फ इस ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर सर्वाइव करता है, तो इसको हम अगर वैक्सीनेट कर देंगे तो वो पूरी तरह से हम इस वायरस को एलिमिनेट कर पाएंगे और पूरा हमारा जो इंडिया है वो ये डिसीज से फ्री हो जाएगा। कार्यक्रम रखा गया उसके लिए सबसे पहले मैं हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टीम और हमारे कॉर्पोरेटर वगैरह का शुक्रिया अदा करूँगा कि वाकई उन्होंने इस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों में जो अफवाहें उड़ी हुई हैं इसको लेकर के जिसका कोई बेस नहीं है, लेकिन कुछ लोग इस प्रोग्राम को फेल करने के लिए तरह तरह की अफवाहें उड़ा रहे हैं, तो उसके लिए ऐसे बस्ती के ज़िम्मेदार लोगों को बुला करके और उनको समझाना ताकि वो दूसरों को समझा सके और इस तरह से हमारे देश का हेल्थ सिस्टम जो हमारा प्लान है वो कामयाब हो सके, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, तो उसमें सबका ताउन होना बहुत ज़रूरी है। हर जगह इस तरह से ये प्रोग्राम होना चाहिए। मैं डॉक्टर आरिफ खान, मैं खुद डॉक्टर हूँ, तो मैं तो हेल्थ इशू में इसके खिलाफ तो जा ही नहीं सकता। इसकी खूबियाँ मुझे पता है कि ये कितना ज़रूरी है इम्यूनाइजेशन के लिए, 9 to 15 years ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम इनका प्रिवेंशन करें और वायरसेस को हम लोग जो प्रिवेंट कर सके इस डिजीज़ को आने वाले, ताकि जिस तरह पोलियो से हमने अपने देश को छुटकारा दिलाया है उस तरह इंशाल्लाह हम लोग इस MR से भी हम लोग अपने आप को सेव कर सकते हैं, अगर लेकिन जब तक पब्लिक सपोर्ट ना हो तो ये नामुमकिन है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत ने जब ये जो प्रोग्राम किया है ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, जिससे अगली नस्लों को इस बीमारी से निजात मिलेगी और हम मुसलमानों को दूसरी कौमों के साथ मिल के चलना चाहिए। अगर वो लोग सेफ़ होना चाहते तो हमें भी चाहिए कि हम भी सेफ़ हो जाए इस बीमारी से। और जो लोग नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं, मनफी रुझान रखते हैं, मैं अपनी कौम के लोगों से कहूँगा कि वो लोग ऐसे लोगों से बचे रहे, और जो लोग मुस्बत रुझान रखते हैं उनसे मुलाकात करके इस बात को तहकीक कर ले और उसके बाद ये